हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली काफी समय वेट करने के बाद वीवो ने वीवो Z1X में सितंबर के मंथ में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी वीवो Z1X के यूजर है ना, तो फटाफट एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करिए। हो सकता है कि दोस्तों ये जो अपडेट है ना, आपको OTA के द्वारा मिल गया हो। अगर नहीं मिला है तो 5 से 7 दिनों तक वेट करिएगा, ये अपडेट जो है ना आपको OTA के द्वारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ना इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि इसकी साइज क्या है, इसका वर्जन क्या है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, क्या कुछ बग्स फिक्स किया गया है। हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, जो पिछला अपडेट आया ना वो Z1X में बैटरी ड्रेन की इश्यू बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो उसको क्या इस अपडेट में इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आपके वीवो Z1X में क्या नया अपडेट है। आगे बढ़ने से पहले ये अभय भाई है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देखते हैं क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया। और बात करें दोस्तों वीवो Z1X के अपडेट की, तो आप देख सकते हैं वीवो Z1X का जो ओल्ड वर्जन है वो है 8.70.36 जो की जुलाई मंथ में देखने को मिला है। और बात करें दोस्तों जो आज के डेट में अपडेट जारी किया गया है उसके वर्जन की, तो आप यहां पे देख सकते हैं वो है 8.70.37 और साइज यहां पे मेंशन की गई है दोस्तों वो है 190 MB के आसपास की साइज है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, तो मैं कहूंगा दोस्तों यहां पे वीवो ने वीवो Z1X के सिस्टम पे काम किया है। थोड़ा बहुत जो बग्स थे ना आपके वीवो Z1X में, उसको फिक्स करने की बात की गई है। आप देख सकते हैं अगर आप सिस्टम में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपके वीवो Z1X के सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है जो कि सितंबर 2021 का है। तो मैं कहूंगा दोस्तों आज के डेट में ये काफी अच्छी बात है कि आपके फोन में एटलीस्ट लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच तो देखने को मिल ही रहा है। तो वहीं पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं मल्टीमीडिया के एक्सपीरियंस को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया। आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज द ऑडियो आउटपुट इफेक्ट इन सम सिनेरियो ऑफ म्यूजिक प्लेबैक, यानी ईयरफोन से जो आप म्यूजिक सुनते थे ना उसको भी और ऑप्टिमाइज किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क को लेके थोड़ा बहुत जो इश्यू आ रही थी, बेसिकली वाईफाई कनेक्टिविटी को लेके, उसको यहाँ पे फिक्स करने की बात की गई। आप देख सकते हैं अगर नेटवर्क में जाते हैं ना, तो ऑप्टिमाइज द स्टेबिलिटी ऑफ वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन। तो मैं कहूंगा दोस्तों ठीक ठाक अपडेट है, मगर यहाँ पे इन्होंने कहीं मेंशन तो नहीं किया है कि आपके फोन में जो बैटरी ड्रेन की इश्यू आ रही थी उसको यहाँ पे फिक्स किया है या इसको इंक्लूड किया गया है। तो हाँ दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि बहुत ज्यादा चांस है कि आपके वीवो Z1X में ना इस अपडेट के बाद गेमिंग मोड में दो फीचर जो है वो इनेबल कर दिए जाए। पहला ये है वॉइस चेंजर का और दूसरा है एक्सपोर्ट मोड का। इन दोनों फीचर को बहुत ज्यादा चांस है कि इस अपडेट के बाद इनेबल कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे फोनों में जो भी सितंबर के मंथ में अपडेट आए हैं ना, जिन फोनों में, उनमें ये जो दोनों मोड है गेमिंग मोड के, उसको इनेबल कर दिया गया है। तो आपके भी वीवो Z1X में बहुत ज्यादा चांस है कि ये दोनों मोड इनेबल कर दिया गया है। अगर आपको ये अपडेट मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो मोड है इनेबल किया गया है कि नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।